तो चलो यारो चल के आज देखते हैं यहाँ पे बैठे हैं कि नहीं, जो हम लोग कल लगाए थे चमगादड़ यहाँ पे बैठे थे, यहाँ नहीं है। इधर देखते हैं, ये देखो एक है यहाँ पे, दिख रहा है ये एक रह गया है, बाकी तीन भाग गए नहीं आए हैं। और ये मॉर्निंग का मौसम है, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो हवा चल रहा है पूरा सब, वहाँ पहाड़ दिख रहे होंगे, आसमान पूरा बादलों से ढका हुआ सफ़ेद है, ऐसा कुछ सीन सवेरे सवेरे दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये देखो कल हम लोगों ने सफाया था यहाँ पे, ये जो भिंडी दिखाई दे रही है, भिंडी मकई सब हम लोगों ने निरा दिया है, कल ही निराया था। और देखो फिर कल शाम तक बारिश भी हो गया था और हल्की बूंदाबांदी उसमें पड़ी थी, दिखाई दे रही होगी, तो ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और वहाँ पे सामने टेबल लगा हुआ है। व्हाट्सअप गाइज, मैंने भी जो भी, और मैं बलराम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। आज है 27 तारीख और हम लोग जा रहे हैं आज जन्माष्टमी प्रोग्राम में। अपने गांव में होता क्या है ना, आज के दिन डांस प्रोग्राम होता है, तो वही हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो चलो यारो चलते हैं डांस प्रोग्राम देखते हैं जन्माष्टमी के अवसर। तो यारो हम लोग घर पे आ गए हैं अपने गांव में डांस प्रोग्राम देखने, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अपने गांव में डांस प्रोग्राम होता है। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, दादाजी ने बोला जाओ ये दवा छीरने वाली मशीन लो और दवा लो, जाके खेतों में दवा मार के आओ। ये अपना खलिहान है, ये जो देख पा रहे हो जिसमें मैं दवा छीरता हूँ अभी, ये सब खलिहान है। तो जो ये सब पीछे अपना खेत देख रहे, ये धान है, धान की फसल लगभग उस समय बाद मतलब 10-15 दिन में पूरा फूट जाएगा, धान निकल आएंगे। तो जैसे धान निकल जाएगा तो काटेंगे, जब तो सूखेगा इसको काटेंगे, जब खलिहान में रखना नहीं होता है। तो इस घास को मार के दवा छिड़क के ख़त्म करना है और इसको छीलेंगे, तब इसमें काट के बोझा बोझा यहाँ पे रखा जाएगा धान। तो दादा जी ने बोला है कि जाओ छीटो और काम ख़त्म करो। तो वही आए थे हम लोग डांस प्रोग्राम देखने के लिए, लड़कियों का डांस देखने के लिए, लेकिन पहले ही काम बता दिए तो आगे काम ही करना पड़ रहा है। और देखो कितना अमेजिंग व्यू किया हुआ है, पूरी हरियाली देख रही है अभी आप लोगों को, कितने खेत खलिहान सिवान है चारों तरफ, पीछे पहाड़ दिख रहा होगा एकदम नीला नीला, और बादल चार चांद लगा रहे हैं भाई, तो काफ़ी अच्छा मौसम किया हुआ है। और हम लोग आए हैं, शाम हो गया है ना अभी, कितने 5-5:30 बज गया होगा, तो आए हम दवा छिड़कने के लिए, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो चलो दवा छिड़कते हैं, फिर मैं अपने खेत खलिहान अपना पूरा खेत दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलो दवा छिड़कते हैं पहले और इस काम को ख़त्म करते हैं यार। तो यारो काफ़ी अमेजिंग मौसम किया हुआ है, काफ़ी सुहावना सा लग रहा है, मैंने दवा मार लिया है, अब मैं चल के दिखाता हूँ आप लोगों को अपना खेत और खेतों में लगे धान की फसल, जो आप मेरे चारों तरफ ये देखो देख पा रहे हो सब, ये पूरा पैडी फील्ड है, पूरा जहाँ देखोगे सब खेतों में धान की फसल लगा हुआ है। और काफ़ी मस्त एकदम व्यू लग रहा है भाई, देख के मज़ा आ रहा है, अगर भाई ड्रोन होता तो उड़ा देता भाई, क्या शानदार सीन आता भाई, देख के मज़ा आ जाता भाई। और ये धान अपना सब तैयार हो गया है, करीब मान लो 1.5-2 हफ्ते में आराम से पूरा धान निकल आएगा बाहर, जैसे एक बार ज़ोरदार बारिश हुआ ना पूरे धान भरभरा के फूट जाएंगे, सब निकल आएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हो ये पूरा खेत है, अपना खेत है, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, पीछे अपना भाई आ रहा होगा और भी पीछे आ रहे होंगे अपने दो भाई और हैं, हम लोग चार लोग आए हैं अपना खेत घूमने के लिए। और अभी हम लोग बढ़िया से एक सिनेमैटिक वीडियो बनाएंगे, खूब बढ़िया सा एकदम सिनेमैटिक शॉट लेके और बढ़िया सा एक म्यूजिक लगाएंगे और उस पर ऐड कर देंगे और भाई मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल किनारे, पूरा खेत वहाँ देखते हैं कि अपना फसल कैसा हुआ है। मैं 2-3 बार आके दवा मार चुका हूँ इसमें, क्योंकि भाई घास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, निकल आता है भूसा घास, छतहरा घास और पता नहीं कौन कौन से घास और निकलते हैं, तो जब घास हो जाते हैं ना तो फसल ढंग से तैयार नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं होती धान की, क्योंकि घास ज़्यादा भाई पूरा पोषक तत्व तो घास सब ले जाते हैं, तो धान को उतना कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, तो इसलिए धान की ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। जहाँ खाद रहता है वहाँ बढ़िया ग्रोथ हो जाता है धान का, जहाँ नहीं रहता है वहाँ यूरिया खाद मारना पड़ता है भाई इस समय। तो वही हम लोग आ रहे हैं, खेतों में पानी सूख गया है तो ज़्यादा है नहीं, पैडी फील्ड के लिए धानों के लिए भाई पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितना ज़्यादा खेतों में पानी भरा रहेगा उतना ही बढ़िया धान होगा, और जब खेतों में पानी भरा रहता है तो धान के फसल में धान बढ़िया से पैदावार होती है और घास नहीं उग पाता है,
तो सब फायदे फायदे रहते हैं धान के। तो हम लोग जा रहे हैं अभी जंगल किनारे, जहाँ हम लोगों ने लास्ट सीजन झोपड़ी ओपड़ी बनाई थी, तो वहीं अपनी दादी जी बैठ के अखबारी करते हैं। दादी जी बता रही थी कि जंगल किनारे कुछ बंदर आते हैं, लाल वाले बंदर, पूरा धान चीर दिए हैं, धान का मरा गया है, फूटने वाला है पूरा। जैसे दिन भर पूरा डेली डेली तुम अखबारी करो, फसल को बचाओ, अगर एक दिन ही ना जाओ तो बंदर आ गए पूरे, एक झुंड में 50-100 बंदर रहते हैं तो पूरा फसल चीर देते हैं भाई, तो घाटा लगता है, नुकसान होता है। तो कोई ना कोई आके रहता है भाई, अखबारी करता ही रहता है। सब लोग अपने खेती किनारे किनारे जंगल किनारे झोपड़ी बनाए रहते हैं और फसलों की अखबारी करते रहते हैं। तो वही हम लोग जा रहे हैं अपने वहाँ पे जहाँ झोपड़ी बनाई थी, वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए फसल। और शाम को बढ़िया से मिलेंगे फिर हम लोग, जब अपने घर के सामने मंदिर के जस्ट सामने स्टेज सजेगा और फिर डांस प्रोग्राम होगा, लोग डांस करेंगे, जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करेंगे और कल पूरा दिन भर घुमाएंगे, रात में डांस होगा, कल दिन भर पूरा घुमाएंगे और फिर मज़े किए जाएंगे। तो कुछ वीडियो मैं ऐड कर देंगे, वैसे डांस वाला ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, लास्ट सीजन जब किया था भाई तो एक वीडियो में 6 वो गाने शायद हैं, तो उस पर 6 गानों पर पूरा कॉपीराइट पड़ा हुआ है, तो घाटा लगता है भाई। अभी चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उतना नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जहाँ मोनेटाइज होगा सब चले जाएंगे भाई। तो इसमें कुछ कुछ सेकंड के, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड के ऐसे कुछ क्लिप डाल देंगे, आप लोग देख लेना और मज़े करना भाई। तो ये देखो हम लोग आ गए हैं जंगल किनारे, वो देखो वहाँ पे झोपड़ी लगी हुई होगी और पीछे वहाँ पे सनसेट हो रहा होगा। तो चलो झोपड़ी के पास बैठते हैं यार। देखो भाई क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, देखो पूरा एकदम मस्त लग रहा है एकदम। वो देखो सूरज वहाँ पे है, वहाँ कुछ घर दिखाई दे रहेंगे, और वहाँ पे जो दिख रहा है वो सामने टावर, वो BSNL का टावर है, लग गया है लेकिन चालू नहीं है, बस बांधना बाकी रह गया है। और हो सके यहाँ कल, यहाँ पे मूसीना का विलेज है नेपाल, एक वैली है, वहाँ पे जाके हम लोग हाइक करेंगे, ट्रेकिंग करेंगे, सुबह जाएंगे 4-5 बजे 6 बजे जो भी टाइम मिले। और ये अपनी झोपड़ी है, पूरा जंगल किनारे जंगल ही जंगल है भाई, ये देखो। और ये पूरा उधर एक झोपड़ी वहाँ बना हुआ है, और ये देखो जो बात कर रहा था ना दादी जी बता रही थी हमको, देखो ये बंदरों साले सब खा गए, देखो ये यहाँ से पूरा कचर दिए हैं और यहाँ पे पूरा खेल खेल के ये देखो पूरा ऐसे। तो भाई अखबारी करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, वरना ऐसे फसल सब बर्बाद कर देते हैं बंदर, नष्ट कर देते हैं। और इतने खूबसूरत मौसम में, सुहावने सीन में भाई, चलो एक बढ़िया सा सिनेमैटिक शॉट लेते हैं।
तो यारो हम लोगों ने दवा छीट दिया खलिहान में, अब पता नहीं कितने दिन मरता है, सूख जाएगा, फिर उसे खुरपी से या फावड़े से छील दिया जाएगा। और बढ़िया बढ़िया एकदम सिनेमैटिक शॉट लिए हैं भाई। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं और शाम को मिलते हैं 9-10 बजे के आसपास, जब डांस प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो यार घर पे चलते हैं। हो हर नाचो सरिया हो भगेलुआ के बोर्ड में।